सूरदास जी द्वारा रचित पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए जो पद अनुमन्य हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं आपके लिए। तो सूरदास जी ने इस पद में कहा है कि आपुन पो आपुन ही विसार्यो। आपुन पो का अर्थ क्या है, चलिए मैं एक बार सुना देता हूं आपको। आपुन पो आपुन ही विसार्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम घूं की पर्यो। ज्यो सौरभ मृग ना भी बसत है, द्रुम त्रिन सूंघी फिर्यो। आपुन पो आपुन ही बिसर्यो, आपुन पो आपुन ही बिसर्यो। ज्यो सौरभ मृग ना भी बसत है, द्रुम त्रिन सूंघी फिर्यो। ज्यो सपने में रंक भूप भयो, तस करो अरि पकर्यो। आपुन पो आपुन ही बिसर्यो, आपुन पे आपुन ही बिसर्यो। ज्यो के हर प्रतिबिंब देख के आपुन कूप पर्यो। जैसे गज लगी पटक शिला में, दसन जाय अर्यो। आपुन पो आपुन ही बिसर्यो, जैसे गज लखी फटिक शिला में, दसन जाय अर्यो। आपुन पो आपुन ही बिसर्यो, आपुन पो आपुन ही बिसर्यो। मरकट मूठी छाणी नहीं दीनी, घर घर द्वार फिर्यो। सूरदास नलिनी को सुवटा कही कौने पकर्यो। अपुन पो आपुन ही बिसर्यो, अपुन पो आपुन ही बिसर्यो। अब सूरदास क्या कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि स्वयं से स्वयं को विसार दिया तुमने। अपुन पो आपुन ही बिसर्यो, अपुन पो आपुन ही बिसर्यो, यानी स्वयं को स्वयं के द्वारा ही तुमने विसार दिया। स्वयं के द्वारा स्वयं को, यानी आत्मज्ञान अपने ही द्वारा स्वयं तुमने भुला दिया। आत्मज्ञान स्वयं स्वयं के द्वारा ही भुला दिया। अब कैसे, जैसे स्वान, स्वान का अर्थ क्या होता है, कुत्ता। जैसे स्वान, जैसे कुत्ता कांच मंदिर में, एक शीशे के मंदिर में जाता है, जैसे कुत्ता एक शीशे के मंदिर में जाता है और उस शीशे के मंदिर में स्वयं की छाया देखता है, स्वयं की छाया देखता है और स्वयं की छाया देख करके उसमें भौंकने लगता है। जैसे स्वान कांच में भ्रम भ्रम भूख पर, भ्रमवश वो स्वयं को, स्वयं का शरीर देखता है और स्वयं के शरीर के साथ साथ वो भूखने लगता है। वो समझता है और सारे बहुत सारे कुत्ते हैं, भ्रम में पड़ जाता है। जो सौरभ मृग नाभि बसत है, जिस प्रकार सौरभ, सौरभ कार जानते हैं, सौरभ माने होता है सुगंधी, सुगंधी जिस प्रकार मृग अर्थात हिरण के नाभि में है, हिरण के नाभि में सुगंधी बसती है। लेकिन द्रुम त्रिन सूंग फिरो, वो द्रुम माने वृक्षों के, त्रिन माने तिनकों को, वृक्षों के तिनकों को सूंघता हुआ फिरता है। और ज्यो सपने में रंक भूप भयो, जिस प्रकार स्वप्न में एक भिखारी राजा हो जाता है और तस्कर अरि पकड़ो, तस्कर माने उस चोर डकैत, अरि माने शत्रु ने उसे पकड़ लिया हो, ठीक उसी प्रकार स्वयं के आत्मज्ञान को आप भी भूल गए हैं। ज्यो केहर, केहर का अर्थ होता सिंह या शेर, जिस प्रकार शेर प्रतिबिंब देख के, अपना ही बिंब देख करके आपुन कूप पड़े, कुएं में जाकर के स्वयं कूद पड़ा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी हो गया, यानी स्वयं भी हो गए, स्वयं को स्वयं के द्वारा भूल गए। जैसे गजलक फटिक शिला, फटिक शिला का अर्थ होता है स्फटिक मणि। स्फटिक मणि एक चमकीला पत्थर होता है और उसमें जो है प्रतिबिंब अपना शीशे की तरह दिखाई देता है और प्रतिबिंब देख करके, तो उसमें कहा गया कि जैसे गज हाथी एक फटिक शिला देख करके, इस फटिक शिला में अपने दांतों को, अपने स्वयं के चमत्कृत शरीर को देख करके, और दांत दसनन, दसन दसन का अर्थ होता है दांत, दांतों से जाकर के उसी में अड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं के द्वारा स्वयं ही आत्मज्ञान भूल गए हो। फिर वो कहते हैं कि जिस प्रकार
मरकट मूठ छाण दीन नहीं दीन ही घर घर द्वार फिरो। जिस प्रकार बंदर, मरकट का अर्थ है बंदर, इसमें एक कथा आती है, एक बार एक बंदर जो है उसने एक बर्तन में अपने दोनों हाथ डाल दिए और मुट्ठी अंदर करके बांध ली थी और वो बर्तन से हाथ निकाल नहीं पा रहा था, तो वो द्वार द्वार भटक रहा था। जब द्वार द्वार भटक रहा था तो वही बात यहाँ पर सूरदास जी ने कही कि द्वार द्वार मरकट मूठ छाण नहीं दी, उस बंदर ने अपनी मुट्ठी नहीं छोड़ी और द्वार द्वार भटकता फिर रहा था कि कोई इस बर्तन को निकाल दे, बर्तन को निकाल दे ना। तो घर घर द्वार फिर घरों घरों जाकर के द्वार द्वार पे फिरता रहा। सूरदास नलिनी को सुवटा, सूरदास कहते हैं कि नलिनी माने कमलिनी का एक सुवटा माने तोता, सुवटा का अर्थ है तोता, तोता जो सुगना होता है, नलिनी का सुगना, नलिनी का नलिनी में लटकता हुआ जब देखो एक तोता कमलिनी में बैठता है, तो जब वो तोता कमलिनी में बैठता है तो कमलिनी झुक जाती है, तो तोता यह समझ लेता है कि उसको जो है उसको किसी शिकारी ने पकड़ लिया है, तो वो क्या होता है चुपचाप लटका रहता है और कहीं कौने पकड़े, फिर कहते हैं अब बताओ उसको किसने पकड़ा, यानी शिकारी ने, किसी ने नहीं पकड़ा, केवल वो शिकारी समझ करके कि शिकारी के जाल में मैं फंस गया हूँ। जब वो नलिनी यानी कमलिनी पर बैठता है, कमलिनी झुक जाती है, तो वो समझता है कि मैं शिकार में फंस गया। ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान को मनुष्य अपन ही विसर्यो, यानी आत्मज्ञान को अपनपो का अर्थ है आत्मज्ञान और अपन ही विसर्यो, अपने ही द्वारा भुला दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे कांच में मंदिर, कांच के घर में एक कुत्ता जाकर के और उसमें भौंकता रहता, उसको प्रतिबिंब दिखाई देते, वो आत्मज्ञान भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार सांसारिक मनुष्य भी आत्मज्ञान भूल गया है, इस प्रकार स्वयं को अपने द्वारा ही भुला दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें ताकि अन्य बालकों को भी इसका लाभ मिल सके। भाई देखो, आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ना, तो आप किसी से ईर्ष्या मत रखिए, किसी और बच्चे को भी आप वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं नहीं कहता मेरा लाभ, मेरा कोई लाभ नहीं, मैं तो निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई लाभ नहीं चाहता। तो आप भेज देंगे, उसको शेयर कर देंगे तो वो भी पढ़ लेगा, हो सकता है उसका एग्जाम में एक नंबर बढ़ जाए, दो नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तो इतना जरूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।